हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम बनाएंगे बच्चों की मनपसंद चॉकलेट केक, और वो भी लेयर वाली, जो देखने में तो बहुत ही शानदार लगती है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगती है। तो एक बार इसे आप बनाइएगा जरूर, बहुत ही बढ़िया सी केक बन के तैयार होती है। और इसे आप चाहें तो नाश्ते में या चाय के साथ कभी भी आप खा सकते हैं, और बनाना तो बिल्कुल आसान है। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं इसे बनाना। चॉकलेट लेयर केक बनाने के लिए हमने लिया है कुछ टोस्ट, और यहाँ पे लिया है हमने एक पैकेट ओरियो बिस्किट। आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं, क्योंकि हमें चॉकलेट केक बनाना है। तो अब चलते हैं शुरू करने। इसके लिए हम सबसे पहले टोस्ट का पाउडर बना लेंगे, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चीनी। और अब इसका पाउडर बना लेते हैं। दोस्तों अब इसे हम एक छन्नी की सहायता से छान लेंगे। आप चाहें तो जो आटा छानने वाली छन्नी होती है उससे भी छान सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो मोटे मोटे पार्ट अगर बचे हुए हैं तो वो अलग हो जाते हैं। इसमें कुछ नहीं बचा है, अब इसे रख लेंगे एक अलग बर्तन में। और बस उसी तरीके से हम बिस्किट का भी पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल फाइन पाउडर बन के तैयार हुआ है। तो इसे हम छानने की जरूरत नहीं है, हमें इसे उसी तरीके से निकाल लेंगे। और यहाँ पे हम बनाएंगे चॉकलेट मिल्क। तो इसके लिए हमने एक चॉकलेट लिया है, और उसे हम हल्का सा गुनगुना दूध में मिला लेंगे, इसका घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो ये चॉकलेट मिल्क तैयार है, और यहाँ पे हमने गैस पे कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो बिना नमक के भी बना सकते हैं। और बस अब इसे हम रख देंगे गर्म होने के लिए। और अब हम घोल बना के तैयार कर लेते हैं केक के लिए। तो सबसे पहले हम चॉकलेट वाला घोल तैयार कर लेंगे। तो ये चॉकलेट मिल्क को हम इस चॉकलेट वाले पाउडर में डाल देंगे। और इसे थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते हुए हम घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा सूखा लग रहा है, तो थोड़ा सा दूध हम और मिला लेते हैं, लगभग 2-3 चम्मच। और ये बिल्कुल बढ़िया सा ये चॉकलेट घोल बन के तैयार हो चुका है। तो इसे रख देते हैं साइड में, और चलते हैं दूसरा घोल बनाने। तो इसे भी हम बिल्कुल उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते हुए इसका घोल बना के तैयार कर लेंगे। और ये दोस्तों, ये सबसे जरूरी है, ये 1-1 चम्मच बटर दोनों घोल में हम मिला देंगे, जिससे कि जो हमारा केक बनेगा वो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। और यहाँ पर हमने दोनों घोल को अच्छे से फेंट के तैयार कर लिया है। अब हमें चाहिए विनेगर, तो विनेगर की जगह हम नींबू पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हमने 2 चम्मच पानी ले लिया है, और उसमें डाल देंगे 6-7 बूंद नींबू का रस, और ये तैयार है हमारा विनेगर। तो इसे हम विनेगर की जगह इस्तेमाल करेंगे। और ये हमने केक टिन पहले से तैयार कर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा बटर लगा के चारों तरफ से, और इसमें मैदे या आटे से इसको कोटिंग कर लेंगे, जिससे कि केक बहुत आसानी से बाहर निकल आएगा। और अब इसमें हम मिला देंगे लास्ट में 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, और ये 1 चुटकी बेकिंग सोडा।
दोनों घोल में उसी तरीके से आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और एक चुटकी बेकिंग सोडा मिला के इसे हम अच्छे से घोल के तैयार कर लेंगे। और इसमें मिला देंगे हम आधा आधा दोनों में ये नींबू पानी। और बस अभी से हम फटाफट से इसे तैयार कर लेंगे मिक्स करके। इसे डालने के बाद हमें ज्यादा देर तक फेंटना नहीं है। दोनों घोल को बस उसी तरीके से हमें तैयार करना है। और अब हम चलते हैं केक टिन में डालने। तो ये हम दोनों घोल को बारी बारी से इसमें हम डालते जाएंगे, जिससे कि बहुत ही बढ़िया सा लेयर बन के तैयार हो जाएगा। सावधानी से और इसे बारी बारी से दोनों घोल को डाल देंगे। और बस अब इसे हम हाथ से हल्का सा टैप कर देंगे। और चलते हैं अब इसे रखने। और यहाँ पे कुकर भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे कोई भी एक छोटा सा कटोरी या प्लेट, ताकि थोड़ी सी ऊंचाई बनी रहे। और अब इसमें हम सावधानी से केक टिन को कुकर में डाल देंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। ये रबड़ और सीटी दोनों निकाल देंगे और इसे मीडियम आंच पर हम लगभग 45 मिनट तक पकने देंगे। आंच को पहले मीडियम रख के फिर थोड़ा सा धीमा कर दें। और यहाँ पर 45 मिनट बाद हम चेक करते हैं। ये देखिए केक कितना बढ़िया सा फूला हुआ है, देख के ही अच्छा लग रहा है। तो इसे हम एक चाकू की सहायता से चेक कर लेते हैं। ये देखिए चाकू बिल्कुल साफ सुथरा बाहर आ रहा है। तो यानी कि हमारा ये जो केक है ये बहुत ही बढ़िया सा पक के तैयार हो चुका है। और अब इसे हम सावधानी से कुकर से बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के बाद हम इस केक टिन से बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए हम इसके ऊपर एक गीला टॉवल रख देंगे और इसे ठंडा होना देते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब एक चाकू की सहायता से इसे बगल से थोड़ा सा छुड़ा देंगे और एक प्लेट रख के इसे उल्टा करके पलट देंगे, जिससे ये केक बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगा। यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही आराम से केक बाहर निकल आया। और इसे हम पलट के एक बार फिर से सीधा कर लेंगे और ये बहुत ही बढ़िया सा सॉफ्ट केक बन के तैयार हो चुका है। इसे हम काट के भी दिखा देते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, पढ़ के अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना ही फूला फूला सा बिल्कुल सॉफ्ट केक बन के तैयार हो चुका है। और इसे आप एक बार जरूर बनाइए और एंजॉय कीजिए, सबको बहुत अच्छा लगेगा। चाहे तो आप चाय के साथ या जब भी इच्छा हो इसे खा सकते हैं, तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।